आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स में अब जो है इंडिया नंबर वन पे चला गया है, न्यूजीलैंड जो नंबर वन पे था वो दो पे आ गया है और ऑस्ट्रेलिया नंबर तीन पे ही है। और जो मुझे हैरत हुई देखकर वो ये थी कि बांग्लादेश नंबर चार पे और पाकिस्तान नंबर पांच पे। काफी टैलेंट, उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल जो हमेशा ही बात करते रहते हैं ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आया, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। इनके लिए इंडिया के लिए शायद नई बात नहीं है, टेस्ट में नंबर वन, ओडीआई में नंबर वन, टी20 में नंबर वन, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी नंबर वन। इंडिया की टीम जो है वो न्यूजीलैंड को नंबर दो में धकेल के खुद जो है नंबर वन पे आ चुकी है और ऑस्ट्रेलिया नंबर तीन पे मौजूद है। और रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया की टीम का सुहाना दौर जा रहा है, अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की बात करूं मैं, डब्ल्यूटीसी में पाकिस्तान किधर है, किधर है पाकिस्तान डब्ल्यूटीसी में? हम बांग्लादेश से भी नीचे है डब्ल्यूटीसी पॉइंट टेबल में। सर हमने आज तक फाइनल खेला, मुझे बताओ ना, ये मेरे छनकने के पैदाइश। रोहित शर्मा कल या परसों जो रोहित शर्मा ने मीडिया से बात की है ना, ओए हाय हाय, दिल खुश कर दिया। की क्या भाई, उसने ये बोला, रोहित टेस्ट क्रिकेट बहुत डिफिकल्ट क्रिकेट है, उसने बोला लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट ही है। अच्छा मुझे बात बताएं, ये जो बातें हम रोहित शर्मा या इंडियन प्लेयर से सुनते हैं, ये हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं इस किस्म की बातें करते? नहीं उस तरह की बातें कर रहे। तीसरी दफा लगातार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल, व्हिच इज अ यूनिक रिकॉर्ड ऑफ बाय ऑल मींस, फर्स्ट टाइम इट वाज न्यूजीलैंड, सेकंड टाइम इट वाज ऑस्ट्रेलिया, but for the very first two times it was india which managed to reach the final and this would be the third time। to rahul dravid ko pata hai ki is level pe pahunchne ke liye bachcho ko kin kin cheezon ki abhi se zarurat hai, unhone kaam kiya, unhone invest kiya, aa rahe talent aaye ja raha hai, acha bhi india chahe to koi team aayi nahi inko beat karne ke liye, class ya team india ki congratulations, wo teesra wtc ka final khelne ja rahe hain, to kya unki class hai yaar, aur manna padega unki cricket ko, unke brain ko manna padega, kya dimag leke wo aate hain। icc world test championships mein अब जो है इंडिया नंबर वन पे चला गया है, न्यूजीलैंड जो नंबर वन पे था वो दो पे आ गया है और ऑस्ट्रेलिया नंबर तीन पे ही है। और जो मुझे हैरत हुई देखकर वो ये थी कि बांग्लादेश नंबर चार पे और पाकिस्तान नंबर पांच पे, यानी कि मैं थोड़ा परेशानी हो गया क्योंकि पाकिस्तान अभी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया 3-0 आ रहा उसके बाद भी वो पांच पे तो बड़ी बात है, लेकिन ये कि इंडिया हैज नाउ गॉन टू नंबर वन, दैट इज बिकॉज दे हैव वन द सीरीज एट होम अगेंस्ट इंग्लैंड। तो मतलब जो पहले दो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुए हैं उसमें जैसे पहले एडिशन में इंडिया और न्यूजीलैंड खेला था फाइनल, सेकंड में जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेला, तो बेसिकली वही टॉप थ्री टीमें आपको नजर आ रही है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इनके लिए इंडिया के लिए शायद नई बात नहीं है, टेस्ट में नंबर वन, ओडीआई में नंबर वन, टी20 में नंबर वन, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी नंबर वन। फ्यूचर क्या है? नहीं, ये इसी से बाहर नहीं आ रहे, शाहीन हटाओ, बाबर लाओ, बाबर हटाओ, रिजवान लाओ, अबे भाई इनसे बाहर निकलो, एक्सपोज हो गए ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में, बच्चा क्या। माइकल वॉन इस पर बात करें ना, क्रिकेट का बहुत बड़ा अंदाजा है कि यार इंग्लैंड ना पहुंचे, जो इंडिया दो फाइनल खेल चुका है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो भारत में क्यों नहीं होता? इस पे आड़ो ना, ऑस्ट्रेलिया विनर ऑस्ट्रेलिया में करा दो, इनकी फिर जमाने चेक करना तुम, फाइनल तुम सिर्फ इंग्लैंड में करा रहे हो, क्योंकि मैं साफ बता रहा हूँ भाई, मैं एशियन हूँ, मैं मेरी टीम अभी टेस्ट में उस काबिल नहीं हुई है, हो जाएगी, मैं बता दूंगा खेलेगी। तीसरा क्यों हो रहा है? साफ बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप फाइनल कराएंगे और भारत होगा, मैं वैसे ही बोल दूंगा जीत जाएगा। 36 साल शानू द किंग पाकिस्तान की टीम में सीख रहे हैं टेस्ट और पीएसएल में वो टी20 सीख रहे हैं। टी20 इंडिया आपको फर्स्ट में मिलेगा, अब नई रैंकिंग्स जो आई हैं, वनडे में इंडिया आपको फर्स्ट में मिलेगा, टेस्ट में इंडिया आपको फर्स्ट में मिलेगा, डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल अगर मैं बात करूं, इंडिया आपको फिर फर्स्ट में मिलेगा, न्यूजीलैंड आप चली गया सर दूसरे नंबर पे, इंडिया डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलने जा रहा है। अब मेरी एक बात सुने, टीम इंडिया की मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, तो हल्ला टेस्ट क्रिकेट चल रही है, मतलब क्या क्लास के वो लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रोहित शर्मा यंग टीम को लेकर लड़का चल रहा है और बजा रहा है सबकी पकड़ के, जो आ रहा है उसके अंदर ये 1.5 फुट का डंडा घुसा रहे हैं, जो आ रहा है उसके अंदर ये 1.5 फुट का डंडा घुसा रहे हैं, ये बैस बूल भूस बाल को भी बजा लिया पकड़ के, ये घंटे आते हैं उनको भी पकड़ के ये बजा लेते हैं, लाइक 17 कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज टेस्ट क्रिकेट में, वो भी अपने घर में, सर ये कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान की बात करूं मैं, डब्ल्यूटीसी में पाकिस्तान किधर है, किधर है पाकिस्तान डब्ल्यूटीसी में? हम बांग्लादेश से भी नीचे है डब्ल्यूटीसी पॉइंट टेबल में। सर हमने आज तक फाइनल खेला, मुझे बताओ ना, ये मेरे छनकने के पैदाइश। किधर है पाकिस्तान डब्ल्यूटीसी में बेटा? बांग्लादेश हमसे ऊपर है, आप वनडे रैंकिंग में चले जाओ हमारा आता पता ही नहीं है, अब टी20 में चले जाओ हमारा आता पता ही नहीं है, टेस्ट में तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरी नजर में, ये छनकने। और बेटा इंडिया की चले जाओ ना, इंडिया की बात करूं मैं बेटा, वो तीनों फॉर्मेट में नंबर वन पे है, क्योंकि इंडिया डब्ल्यूटीसी का तीसरा फाइनल खेलने जा रहा है। अब इंडिया पहला फाइनल भी खेला हुआ है न्यूजीलैंड के साथ, जीत नहीं सका अनफॉर्चुनेटली, दूसरा भी खेला हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ,
तीसरा भी अब खेलने जा रहा है। आई होप ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का दोबारा फाइनल होगा जो मुझे लगता है, क्योंकि न्यूजीलैंड बाहर होएगा। पाकिस्तान का तो पाकिस्तानी घंटो उत्तर साइड में चले जाओ इधर से, ये आपके बस की नहीं है। ये नया ग्रुप बनाऊंगा मैं जिसमें मैं पांच टीमें रखूंगा, नेपाल, नेदरलैंड, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और युगांडा, और युगांडा और पाकिस्तान का फाइनल करवा देंगे। अगर वो ग्रुप आपका है, ये बेटा अच्छी टीमों का ग्रुप है, मैं अच्छी टीमों की बात कर रहा हूँ। तो अपने काम से काम रखो, अपनी करियर को बेहतर कर लो। यकीन करो भाई, पाकिस्तान को मैंने अपनी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी से मैंने नहीं देखा पाकिस्तान कभी तीनों फॉर्मेट में नंबर वन आया हो। तो कोई टीम आई नहीं इनको बीट करने के लिए। क्लास या टीम इंडिया की, कंग्रेचुलेशन, तो तीसरा WTC का फाइनल खेलने जा रहे हैं, तो क्या उनकी क्लास है यार। और मानना पड़ेगा उनकी क्रिकेट को, उनके ब्रेन को मानना पड़ेगा, क्या दिमाग लेके वो आते हैं और पकड़ के सब भी बजा देते हैं। ये कहा जाए कि इंडिया इस टाइम क्रिकेट की दुनिया में हुक्मरानी कर रहा है, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की टीम तीनों फॉर्मेट्स में नंबर वन टीम बन चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि WTC का जो पॉइंट्स टेबल है वहां पर भी इंडिया की टीम नंबर वन पे आ चुकी है। इंडिया की टीम जो है वो न्यूजीलैंड को नंबर दो में धकेल के खुद जो है नंबर वन पे आ चुकी है, और ऑस्ट्रेलिया नंबर तीन पे मौजूद है। और रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया की टीम का सुहाना दौर जा रहा है, अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। 17 जो है वो कंसेक्यूटिव सीरीज घर में जीतना इतना आसान काम नहीं होता, टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया जब टेस्ट में अपनी पीक पर था ना, ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है 17 नहीं जीती थी। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल जो 10 सीरीज जो है दो बार कंसेक्यूटिव जीती है जब ऑस्ट्रेलिया अपने पीक पर था। वेस्ट इंडीज की वो पुराने वाली टीम जो अपने पीक पर थी, उन्होंने भी 8 कंसेक्यूटिव सीरीज जीती हुई है, लेकिन 17 तक कोई नहीं पहुंच पाया। यानी कि 17 सीरीज कंसेक्यूटिव जीतना इतना आसान काम नहीं है, खाला जी का घर नहीं है, ये इंडिया ही कर सकता है। और अगर देखा जाए तो अब WTC फाइनल ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से इंडिया खेलने जा रहा है। लास्ट बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ तो ऐसा लग रहा है कि अब फिर से दोबारा से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलने जा रहे हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान से भी आगे बांग्लादेश चला गया है, हम कहां पर खड़े हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप देखें टेस्ट की जो रैंकिंग है, T20 की रैंकिंग देखें, ODI की देखें, वहां पर भी पाकिस्तान दूर दूर खड़ा है। और टेस्ट में तो जो आप नंबर 6 पे खड़े हैं, नंबर 6 पे, ना हम घर में जीत पा रहे हैं ना हम बाहर जाके जीत पा रहे हैं, तो फिर रैंकिंग ऊपर कैसे जाएंगे। लेकिन हमारे लोग खुश हो जाते हैं भाई कि बाबर आजम नंबर 4 पे है, 5 पे है, रिजवान जो रैंकिंग में ऊपर आ गया, शाहीन ऊपर आ गया, भाई टीम कहां पर है ये भी तो देखो। कम से कम अब रोहित शर्मा को देखो कि वो रैंकिंग में नंबर 1 नहीं बनते, लेकिन रोहित शर्मा अपनी टीम को तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 बना के खड़ा है भाई।